जी दोस्तों, आप देख भी सकते हैं, ये देखें बहुत ही बड़े आम हैं, बहुत ही मोटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नदर व्लॉग। दोस्तों, आज की व्लॉग में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ और नई चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज मैं आरे पे आया हूँ, तो हमारा आरे पे पीछे बाग है, तो उसमें अब एक दरख्त लगा हुआ है आम का, ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत आम थे ऊपर, तो अब वही हम तोड़ने के लिए आए हैं। फिर इसे हम पेटियों के अंदर पका कर फिर हम बंद करके ने पकाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं पीछे, ये देखें आम हमने तोड़े भी हैं, ठीक है, पहले भी तोड़ के ले गए हैं घर पे, तो अब फिर लेकर जा रहे हैं। अभी रुमान आपको तोड़ के दिखाएगा भी सही, अब आपको मैं पूरा दरख्त दिखाता हूँ। चलो रुमान, ये देखें अब भाई ये आम तोड़े हैं, ये देखें ये नीचे आए हुए हैं, ये हमने पहले भी तोड़ के रखे हैं। ये देखें बहुत ही बड़ा दरख्त है, और ये हम हर साल इसे तोड़ के ले जाते हैं पेटू के अंदर, इन्हें पकाते हैं हम। ये देखें बस रुमान बहुत हैं, अब बस बहुत हैं, ठीक है। तो हम इनके लिए जो इनको पकाने के लिए जो दवाई होती है वो भी हम उस दिन मियाँ वाली से ले आए थे। ये देखें दोस्तों, आप देख भी सकते हैं, ये देखें बहुत ही बड़े आम हैं, बहुत ही मोटे हैं। पिछले साल इससे कम मोटे थे, अब इस साल बहुत ही मोटे और बहुत ही बड़े आम हैं, ये आप देख भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसे पकाएंगे, हर साल पकाते भी हैं, तो बहुत ही मीठे आम होते हैं। पहले रुमान लोग और बिजा लोग उस वक्त अभी ये छोटे थे, तो ये पहले ही खा जाते थे, लेकिन फिर भी इस दरख्त पे इस बार बहुत हुए हैं, तो अब हम इसे तोड़ के ले जा रहे हैं। जैसे ही इंशाल्लाह ये पक जाएंगे, कुछ दिन इसे बंद रखते हैं पेट के अंदर, तो पक जाएंगे तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा पकी हुई। तो आज के व्लॉग मुकम्मल करते हैं, आई होप आपको हमारा ये दरख्त, हमारा बाग, ये आपको पसंद आया होगा। और भी बहुत सारे फिर पौधे खड़े हैं, अमरूद का, अनार का, हर चीज़ के खड़े हैं, लेकिन उन्होंने इतना फल इस बार नहीं उठाया, ये तूफान और बारिश की वजह से। बहुत ही बड़ा अनार का पौधा था, ये देखें इसके साथ बड़ा था, वो टूट चुका है, गिर गया, ठीक है, ये अब उसके साथ छोटा बड़ा हो रहा है। ये देखें आप पीछे अमरूद का भी बूटा खड़ा है, पौधा, ये देखें, लेकिन हमारी मसरूफियत की वजह से इन पर कोई तवज्जो ही नहीं देता, ठीक है, इसलिए इस बार इन्होंने फल भी नहीं उठाया।